लेकिन आज तक हमने भगवान को नहीं देखा। लेकिन हमारी अगली 1000 साल की पीढ़ी जिसका नाम सुनेगी, उसकी फोटो देखेगी, वो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इसलिए मैं जय सरदार बोलूंगा, आप सब लोग जय जय सरदार बोलेंगे, क्योंकि हम गुजरात में सरदार पटेल को भगवान मानते हैं। और मुझे मालूम है कि अगले 2-3 साल में पूरे हिंदुस्तान सरदार वल्लभ भाई पटेल को भगवान मानेगा। जय सरदार, जय जय सरदार। कानपुर की गलियों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देना चाहिए। जय सरदार, जय जय सरदार। अखिल भारत सरदार पटेल महासभा द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी प्राथमिक जरूरियात क्या है, पूरे हिंदुस्तान में आप सब लोग जानते हैं। हमारा किसान हो, हमारे लाइन में क्या हो, या हमारा कोई भी गुजर परिवार की ना हो, हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ तो रहती है। और इसका कार्य है हम सब लोग संगठित रहिए। हम सिर्फ आपस में लड़ना जानते हैं, सिर्फ आपस में हम अपनी ताकत का बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारा समाज एक नहीं है। इसका कार्य सरदार पटेल महासभा जो कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, इसमें सभी राज्यों के, सभी राज्य में जो हमारे मुझे समाज के लोग रहते हैं, उन सभी को मैं विनती करता हूँ, इस महासभा के साथ जुड़कर सभी मुझे समाज को एक कदम संगठित हो जाए और लाभ